सिंह मनोज कुमार सिंह जी, प्रदेश सरकार में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री अरविंद कुमार जी, एडवर्ब टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन श्री जरज दानी जी, सीईओ एडवर्ब श्री संगीत कुमार जी, एडवर्ब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, इस पूरे संस्थान में कार्यरत सभी युवा साथियों, मेरे लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के अंदर एडवर्ब टेक्नोलॉजीज के द्वारा प्रदेश सरकार की नीतियों और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के जिस लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया था, इसमें आज का ये लोकार्पण कार्यक्रम न केवल नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस का वास्तविक मतलब क्या होता है, एडवर्ब टेक्नोलॉजीज का ये संस्थान इसका एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। मैं इस अवसर पर एडवर्ब टेक्नोलॉजीज और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं, और जिन नौजवान साथियों को यहां पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है उन सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुझे याद है जब 3 जून 2022 को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता संभाली थी, उसके तत्काल बाद 3 जून 2022 को प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए आमंत्रित किया था। इस अवसर पर एडवर्ब टेक्नोलॉजीज ने 200 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव के साथ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ एमओयू पे साइन करने के साथ इस कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम की आधारशिला रखी थी, और मुझे प्रसन्नता है कि मात्र एक वर्ष की इस छोटी सी अवधि में इतना बड़ा संस्थान 200 करोड़ रुपए की लागत के साथ साथ 3000 से अधिक नए रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ रोबोटिक के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबके सामने है। मैं इसके लिए एडवर्ब टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन सीईओ और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेश सरकार की ओर से धन्यवाद भी देता हूं। मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद एनसीआर का पार्ट होने के बावजूद 2017 के पहले जिस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए था उसमें एक हताशा थी, निराशा थी। यहां के बारे में लोगों की धारणाएं भिन्न थी, लोग नकारात्मक दृष्टि से इस ओर देखते थे, और इस प्रकार की कोई निवेश की संभावना यहां पर बन सके यह एक कल्पना थी। लेकिन पिछले 6 वर्षों के अंदर उस परसेप्शन को बदलते हुए इज ऑफ डूइंग बिजनेस के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से लागू करने का परिणाम है कि आज निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में न केवल एनसीआर में बल्कि देश के अंदर गौतम बुद्ध नगर जनपद एक बार फिर से उभरा है और तेजी के साथ आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, अभी उत्तर प्रदेश ने 10 से 12 फरवरी 2023 में
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना सेकेंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की दिशा उत्तर प्रदेश का एक पहला समिट था, यद्यपि इन्वेस्टर समिट की दिशा दूसरा था, और उत्तर प्रदेश को इस अवसर पर अब तक जो एमओयू हमारे साथ में लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, और इसमें भी सर्वाधिक निवेश के प्रस्ताव कहीं के लिए प्राप्त हुए हैं तो इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, जहां पे सुविधाएं हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता हो, जहां पे बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति हो, वहां पे निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके, वहां पर दी जाने वाली सुविधाओं को देख करके, वहां की सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण को देख करके आता है। और आज ये दृश्य हम सबको यहां पर देखने को मिलता है, प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कुछ न कुछ निवेश जरूर हो रहा है, यानी जो जनपद कभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, वित्तीय समावेशन, इन सभी में जो काफी पीछे थे, उन जनपदों को व्यवस्थित रूप से विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित किया गया। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों के लिए कुछ न कुछ निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। आज प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गोरख की हो या बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी हो, पश्चिम से मध्य और पूरब पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी, उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर हुई है। प्रदेश के अंदर हमने एयर कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर किया है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट मात्र क्रियाशील थे, आज उस उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं, 12 एयरपोर्ट पे वर्तमान में कार्य चल रहा है, और इस वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा। भारतीय रेल की दृष्टि अगर हम देखते हैं तो रेल का सबसे बेहतरीन नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अंदर है, 16,000 किलोमीटर का रेलवे का नेटवर्क, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, उनका जंक्शन भी इसी जनपद के अंदर प्रदेश में है। यानी प्रदेश की इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ वाटरवे की संभावनाओं को भी, देश का पहला वाटरवे नंबर 1 इनलैंड वाटरवे, यह उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है, और शीघ्र ही प्रदेश के अंदर अपना स्टेट का इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ही गठित होगा, जिसके माध्यम से प्रदेश के अंदर जल मार्गों के माध्यम से कार्गो की सुविधा को आगे बढ़ाने की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी जनपद में जेवर के पास वर्तमान में तेजी के साथ बन रहा है। ये संभावनाएं बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी संभावनाएं थी, देश के अंदर एमएसएमई का बेस अगर आप देखेंगे 96 लाख यूनिट एमएसएमई उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उनके प्रोत्साहन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, जिसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित किया है। मैं यहां पर देख रहा था, जब पूरी फैक्ट्री को मैं देख रहा था, इस पूरे संस्थान के अंदर जब मैं अवलोकन कर रहा था, मुझे तमाम युवा साथी मिले, अलग अलग जनपदों से आए हैं, किसी ने डिप्लोमा किया है, किसी ने डिग्री अपनी ली है, कोई यहाँ फुल टाइम जॉब कर रहा है, कोई इंटर्नशिप में यहाँ पे काम कर रहा है, और इस अवसर पर मैं एडवर्ड